आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एसएन मेडिकल कॉलेज में अप्रैल से बंद चल रही ओपीडी 12 जुलाई को शुरू हो गई। ओपीडी में मंगलवार को 597 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। ओपीडी के दौरान मरीज और उनके तीमारदार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए नहीं दिखाई दिए। एसएन मेडिकल कॉलेज में अप्रैल से बंद पड़ी ओपीडी 12 जुलाई से शुरू हो गई है। ओपीडी में मंगलवार को 597 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। ओपीडी के दौरान मरीज और उनके तीमारदारों ने कोविड-19 नियमों का पालन नहीं किया। देखिए, ओपीडी शुरू होने से बहुत मरीजों को लाभ मिला है दोबारा से, जो लॉकडाउन की वजह से कहीं भी उपचार नहीं पा रहे थे और जिनकी जो परेशानियाँ थी वो और गंभीर होती जा रही थी, कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी, वो सारे मरीज आजकल देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, सीजनल वेरिएशन के कारण एक अपेंडिसाइटिस जिसे कहते हैं और पैनक्रियास की प्रॉब्लम वाले मरीज भी हमें बहुत दिख रहे हैं। जैसे जो इलेक्टिव ओटी वाले मरीज थे, जो अब नॉर्मल ओपीडी खुलने से जो पित्त की थैली के पेशेंट थे, हर्निया के पेशेंट थे, सर्जरी की बात करी जाए तो, या फिर जिनके स्तन में परेशानियाँ थी, पेशाब में परेशानी थी, किडनी में पथरी थी, ये सारे हमें देखने को मिल रहे हैं काफ़ी अधिक मात्रा में। देखिए, अब कहीं ना कहीं समानता देखी जा रही है। कोविड से पहले भी हम लगभग, अगर देखा जाए तो हमारे अगर 6 यूनिट हैं तो लगभग 10 से 15 ऑपरेटिव पेशेंट हर यूनिट में भर्ती रहते थे। उसके अलावा बाकी मेडिसिन के भी पेशेंट भर्ती रहते थे हमारे यहाँ। मगर अब पोस्ट कोविड भी वैसे ही मरीजों की संख्या देखी जा रही है, या फिर उससे ज़्यादा ही देखी जा रही है, क्योंकि परेशानी बहुत थी। देखिए, यूरिन की समस्या इस क्षेत्र में बहुत कॉमन है। गैंगजेटिक प्लेन्स में बोलते हैं, स्टोन बेल्ट बोलते हैं हमारे टर्म में, तो यहाँ पे पथरी की समस्या बहुत कॉमन है। दूसरी बात, इतनी गर्मी पड़ती है, आप पानी कम पियेंगे, पेशाब कम बनेगा, तो उसमें इन्फेक्शन और पथरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे फीमेल्स हैं ना, तो वो यूरिन की प्रॉब्लम्स को इग्नोर भी करती हैं शर्म के मारे, या ओल्ड एज लोग हैं तो ये सब चीज़ें वो लोग इग्नोर करते हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इस वजह से यूरिन की प्रॉब्लम बहुत सीवियर भी होके आती है कई बार। पानी की कमी से भी समस्या होती है? बिल्कुल, पानी कम सब पीने से होती है। गर्मी में यूरिन का, पेशाब का फॉर्मेशन कम होगा, पानी कम पिएंगे और धूप और है तो पेशाब का फॉर्मेशन और कम होगा, तो इसकी वजह से ये पथरी और इन्फेक्शन की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। एसएन की ओपीडी में सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजी, मेडिसिन, ENT, डेंटल, स्किन, फिजियोथेरेपी, नेत्र रोग, टीबी रोग, बाल रोग, स्त्री रोग और मानसिक रोग की लगभग एसएन की 14 विभाग की ओपीडी मेडिकल कॉलेज में सोमवार से शुरू हो गई है। ओपीडी के दौरान अधिकतर लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। कई जगह देखा गया कि मरीज और उनके तीमारदारों को धक्का मुक्की का भी सामना करना पड़ा। एसएन की ओपीडी में सबसे अधिक मेडिसिन विभाग में 114 मरीजों ने परामर्श लिया। लक्ष्मी, सी न्यूज, आगरा।